नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर उदेशा एंड साईं करुणा मिशन टू टुडेज सेशन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू शशि जी, थैंक यू मिस्टर राम भाई जी, थैंक यू सो मच। सो आज हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सोल रिग्रेशन मेडिटेशन। सो इस मेडिटेशन में आज हम एक यात्रा करने वाले हैं, जिसमें हम अपनी आत्मा की उस यात्रा का मंथन करेंगे जो यात्रा आज तक हमारी आत्मा ने की है इस धरती पर पहली बार जन्म लेने के बाद से। वो पहला जन्म जिसकी हम यहाँ आज बात करेंगे, वो ना सिर्फ एज ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन और भी सारी किंगडम्स में जो भी हमने बर्थ लिए हैं उन सब की बात जो है हम अभी कर रहे हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं हमारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। So the one important information which I would like to share with you all is के हमारी online retreat है, जिसमें Karuna Healing, Psychic Surgery और Money Abundance के course जो है वो इस weekend पे हो रहे हैं। हम उसके लिए registrations open है। इसकी सारी information आपके जो भी हमारे question answer groups हैं उनमें हम बहुत जल्द शेयर करने वाले हैं, और कुछ जगह पर शेयर हो भी चुकी है। So I am trying to share the flyer, just give me a minute, so that उसके ऊपर सब फोन नंबर्स लिखे हैं जिसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो ड्यू टू सम डिफिकल्टी मैं अभी फ्लायर आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सो द इंफॉर्मेशन जो है वो इन्हीं ऑनलाइन मिनी रिट्रीट के बारे में है, जिसमें करुणा कर्मा सोल डीएनए हीलिंग साइकिक सर्जरी मनी अबंडेंस के कोर्सेज जो है इस वीकेंड पे होंगे, सैटरडे संडे और मंडे को। सो हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी तक जिन्होंने ये कोर्स नहीं किया है वो काइंडली रजिस्टर करें, और रजिस्टर करके जल्दी जल्दी अपने आप को रजिस्टर करें और इस कोर्स का जो है वो आप लाभ जरूर उठाएं। सो विल नॉट टेक मच टाइम लाइक दिस। तो अभी हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए रेडी होते हैं। सो जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम सोल रिग्रेशन मेडिटेशन करने वाले हैं। ये यहाँ पर ये बताना मैं जरूर चाहूंगी कि नॉर्मली जो भी रिग्रेशन सेशंस होते हैं वो रिट्रीट्स में होते हैं। इट्स नेवर पॉसिबल टू डू दिस सेशंस, जो सोल रिग्रेशन सेशन जो है वो ऑफलाइन आज तक अटेम्प्ट नहीं हुआ है, लेकिन
उदय सर ने आज बहुत ही हम सबके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी हमें दी है कि हम ये सोल रिग्रेशन सेशन जो है हम ऑनलाइन लें, और हमारे जो भी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब लोग इसका फायदा उठा पाए। सो वी आर रियली रियली थैंकफुल टू डॉक्टर उदय शाह फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। एंड वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द मेडिटेशन, बिकॉज ये मेडिटेशन थोड़ी सी लंबी होने वाली है, एंड सो इसलिए हम इमिजिएटली स्टार्ट करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस मेडिटेशन, एक बहुत ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द मेडिटेशन, सो स्पेशली अबाउट द प्रोसीजर ओनली। एंड सबसे पहले हम अपने सभी चक्रास को एक्टिवेट करेंगे, और विद द एक्टिवेशन हम अपने क्राउन चक्रा से होते हुए रूट चक्रा तक सबको एक्टिवेट करते जाएंगे, और हमारी सभी प्रेजेंट लाइफ को, हमारे पास्ट लाइफ, जो भी आज तक हमने पास्ट लाइफ ली है, उन सबको एक्टिवेट करेंगे। एंड हम अपने रूट चक्रा तक स्टॉप नहीं करेंगे, स्टॉप रूट चक्रा के बाद भी जो हमारी तीन किंगडम्स हैं, एनिमल किंगडम जिसमें हमने जन्म लिया, प्लांट किंगडम जिसमें हमने जन्म लिया, और सबसे पहले मिनरल किंगडम जिसमें हमने जन्म लिया, तो हम उस डेप्थ तक जाएंगे सबको एक्टिवेट करके, एंड देन वी विल हील ऑल दीज किंगडम्स। और इन सभी किंगडम्स से जो भी हमारी पोटेंशियल्स हैं, जो भी हमारी गुड क्वालिटीज हैं, जिनके बारे में हमें लगता है कि आज हमें उनकी जरूरत है या हमारे लिए बहुत अच्छी है, हम उन सबको एक्टिवेट करके अपने साथ लेकर आएंगे। और वो क्वालिटीज जो शायद आज हम कैरी कर रहे हैं उन लाइफ से, जिनकी की आज हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं है, या किसी ना किसी वजह से वो हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल बनी हुई है, तो उन प्रॉपर्टीज को, उन क्वालिटीज को हम वहीं पर छोड़ के आएंगे। मोहित जी इज आस्किंग हाउ मच टाइम। मोहित जी, मेडिटेशन में हम 45 to 50 मिनट्स मानकर चल रहे हैं, विद प्लस माइनस ऑफ 5 to 10 मिनट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली क्लोज योर आईज। सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। पहले हम अपने ध्यान को अपनी सांसों की ओर लेकर जाएंगे, पूरे ध्यान को अपनी सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। तीन गहरी सांसें ले, ब्रीद इन एंड आउट। ब्रीद इन एंड आउट। ब्रीद इन एंड आउट। सांसों को सामान्य अवस्था में लेकर आएंगे, सामान्य गति पर लेकर आएंगे, और ध्यान पूरा सांसों की ओर। केवल आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को पूरी तरह परखेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। जैसे जैसे सांस यात्रा कर रही है, अपने ध्यान को भी उसी यात्रा पर रखेंगे। जैसे श्वास आपकी नासिका से आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आपके
विंड पाइप से होते हुए आपके शरीर की उन गहराइयों तक जा रही है, और फिर शरीर से उसी रास्ते धीरे धीरे वापस आ रही है। जैसे जैसे आपका ध्यान आपके श्वास पर लगेगा, आपका मन शांत होता जाएगा, एकाग्र होगा, और आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स। आपके विचार थम चुके हैं और ध्यान आपके अंतर मन में है। यही समय है जब हम अपने सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। We are going to invoke all our masters, elders, gurus, देवी देवता, अपने सभी इष्ट देवों का आवाहन कीजिए। वो सभी ब्रह्मांडीय शक्तियां सबका आवाहन कीजिए। रेखिका करना रेखिका आवाहन कीजिए। जो हीलर्स हैं, आप जो मोडालिटीज को जानते हैं पहचानते हैं उनका आवाहन कीजिए। और महसूस कीजिए आपके सभी गॉड्स गॉडेसेस सब आपके साथ इस रूम में ऑलरेडी आ चुके हैं। फील देयर प्रेजेंस, दे आर ऑल ब्लेसिंग यू। फील देयर ब्लेसिंग्स। आपके गुरुओं की, आपके मास्टर्स की सारी ब्लेसिंग्स एक श्वेत रंग के प्रकाश के रूप में आपके पूरे कमरे में भरी हुई है, आपके चारों तरफ फैली हुई है। सफेद ऊर्जा को हम अपने श्वास द्वारा अपने शरीर में ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम अपनी नासिका से श्वास के द्वारा इस सफेद ऊर्जा को ग्रहण करते हुए अपने क्राउन चक्रा पर केंद्रित करेंगे। ब्रीद इन and take this white divine light through your breath to your crown chakra. ये सफेद ऊर्जा जो कि आपके मास्टर्स की ब्लेसिंग से भरी हुई है, ये आपके क्राउन चक्र तक पहुंच रही है। धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट करना शुरू कर चुकी है। कीप ऑन ब्रीदिंग इन दिस डिवाइन लाइट। जो हीलर्स हैं, वो इसी श्वेत ऊर्जा के साथ साथ सभी सिंबल्स को भी अंदर ग्रहण करें और क्राउन चक्र तक लेकर जाए। जैसे जैसे आपका क्राउन चक्र इस डिवाइन लाइट से भरेगा, वो और एक्टिवेट होगा। और आपको
उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उस डिवाइन लाइट से जोड़ना शुरू करेगा, जहां आपका हायर सेल्फ का आशीर्वाद है। और देखिए, आपका हायर सेल्फ आपको परमिशन दे रहा है आपके इस रिग्रेशन प्रोसेस के लिए, ताकि आप आज इस रिग्रेशन के प्रोसेस को अच्छे से कर पाए। चक्रा अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। अब अगली सांस के साथ उन ब्लेसिंग्स की सफेद ऊर्जा को अपने थर्ड आई चक्र तक लेकर जाएं। सभी हीलर्स साथ में सारे डिवाइन सिंबल्स भी लेकर जाएं और अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करें। का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आप उस डिवाइन विजडम को एक्टिवेट कर पा रहे हैं, इनिशिएट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज के इस रिग्रेशन प्रोसेस में आप जो भी देख पाएंगे, जो भी सुन पाएंगे या किसी भी तरह का कोई इशारा पाएंगे, उन सभी को इस विजडम, इस बुद्धिमत्ता की मदद से पहचानने में आप सफल हो पाएंगे। आपका थर्ड आई चक्र ये एक्टिवेट हो चुका है। अब आप अगली सांस के साथ ब्लेसिंग्स की सफेद ऊर्जा को अपने थ्रोट चक्र तक लेकर आए और सभी हीलर्स सभी डिवाइन सिंबल्स को भी इस सफेद ऊर्जा के साथ अपने थ्रोट चक्र तक लेकर आए। और देखिए, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो रहा है। का थ्रोट चक्र पूरी तरह से ब्लेसिंग्स की सफेद ऊर्जा से भर चुका है और एक्टिवेट हो गया है। यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस जो भी आज आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसे बहुत ही ट्रुथफुली, सच्चाई से, प्योरिटी से एक्सप्रेस करने की शक्ति आ चुकी है आपके अंदर। इस शक्ति को अपने साथ समाते हुए हम अगली श्वास को अपने हार्ट चक्र तक केंद्रित करेंगे और सभी ब्लेसिंग्स और डिवाइन सिंबल्स को अपने हार्ट चक्र तक लेकर आएंगे। लेट योर हार्ट चक्र एक्टिवेट। ये वो जगह है जहां पर इन्वोकेशन की ग्रेस है। जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, आपके सभी मास्टर्स, आपके सभी एंजल्स, आपके सभी गुरु आपको आज्ञा देंगे, आपको परमिशन देंगे
ताकि आप अपनी आज की इस यात्रा को पूरी तरह सफलता पूर्वक अंजाम दे सकें और आपकी जितनी भी कनेक्टेड सोल्स हैं, जो भी आपकी कॉल्स हैं, वो भी आपको परमिशन दे रही हैं, आज्ञा दे रही हैं, आपसे कह रही हैं कि जस्ट गो अहेड, our blessings and our permission is with you. हमारा आशीर्वाद और हमारी आज्ञा तुम्हारे साथ है. अपने इस रिग्रेशन की प्रोसेस को बहुत ही सक्सेसफुली करें. आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है. अब हम अगले श्वास के द्वारा सफेद ऊर्जा और ब्रह्मांडीय दिव्य सिंबल्स को अंदर ग्रहण करते हुए अपने मणिपुर चक्र तक लेकर जाएंगे और उसे एक्टिवेट करेंगे. आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा और ब्लेसिंग्स और सभी दिव्य सिंबल से भर के एक्टिवेट हो गया है. आपके सभी एंसेस्टर्स, आपके पेरेंट्स आपको आगे बढ़ने की परमिशन दे रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं. महसूस कीजिए उनके आशीर्वाद. और तैयार हो जाइए और आगे बढ़ते चलिए. अब समय आ गया है हम अगले श्वास से इन ब्लेसिंग्स से भरी ऊर्जा से श्वास को अपने सेक्रल चक्र तक लेकर जाएंगे. सभी सिंबल और आशीर्वाद से भरी है ऊर्जा सेक्रल चक्र को एक्टिवेट कर रही है. आपकी प्रेजेंट लाइफ की सारी फाइल्स ओपन हो रही है. एक्टिवेट हो रही है. आपकी प्रेजेंट लाइफ की कनेक्टेड सोल्स आपको परमिशन दे रही है आपके सेपरेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए. Now let the next breath अपनी अगली श्वास के साथ आशीर्वाद से भरी हुई सफेद ऊर्जा और दिव्य सिंबल्स को हम अपने रूप चक्र तक लेकर जाएंगे और अपने पास्ट लाइफ्स की सभी फाइल्स को एक्टिवेट करेंगे, ओपन करेंगे. लेट ऑल द सिंबल्स एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू योर ब्रेथ
Through your root chakra and activate it completely. All your connected souls of your past life, all the past lives, all the human past lives are permitting you to go ahead. आपको आज्ञा दे रही है आगे बढ़ अपने इस रिग्रेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए. With the next breath, we are going to take हम अपनी सभी ब्लेसिंग्स की ये दिव्य ऊर्जा और डिवाइन सिंबल्स को अपने रूट चक्र के नीचे स्थित उस एनिमल किंगडम तक लेकर जाएंगे और हमारी एनिमल लाइव्स को एक्टिवेट करेंगे. लेट दिस डिवाइन लाइट एंड डिवाइन सिंबल्स फ्लो and activate our animal lives. देखते ही देखते ही आपकी animal lives activate हो रही हैं. अगली श्वास के साथ ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग से भरी सफेद ऊर्जा और सभी सिंबल्स को एनिमल किंगडम के नीचे स्थित प्लांट किंगडम में लेकर जाएंगे. देखिए आपके सारे सिंबल्स और सफेद ऊर्जा प्लांट किंगडम में फैल रहे हैं और आपकी प्लांट लाइफ एक्टिवेट हो रही है. Let your plant lives activate. With the next breath, हम और नीचे जाएंगे और इन डिवाइन ब्लेसिंग्स और सिंबल्स को मिनरल किंगडम तक लेकर जाएंगे. And let your mineral life activate. आपकी जितनी भी मिनरल लाइफ हैं इस ब्लेसिंग से भरे हुए सफेद ऊर्जा सफेद रोशनी और सभी दिव्य सिंबल्स की मदद से एक्टिवेट हो रही है. फील दिस एक्टिवेशन. फील आप अपने मन की आंखों को हम धीरे से खोलेंगे और देखेंगे कि हम इस समय धरती माँ के गर्भ में हैं. विजुलाइज कीजिए कि आप धरती माँ के गर्भ में हैं. यहाँ पर आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं. जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गर्भ में सुरक्षित होता है वैसे ही हम यहाँ सुरक्षित हैं. और आप बहुत ही अच्छे से धरती माँ की गर्भ में आंखें खोल अपने आसपास देख पा रहे हैं. अब मैं 5 से 1 तक गिनूंगी और जैसे ही मैं 1 कहूंगी आपके सामने आपकी मिनरल लाइफ आएगी. 5, 4, 3, 2 and 1 आपके सामने आपकी मिनरल लाइफ आई है.
आप किसे मिनरल को देख पा रहे हैं? ये कोई व्यू भी हो सकता है, आपको दिख भी सकता है, आपको सुन भी सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके सामने केवल एक नाम आए, कोई इंडिकेशन आए, या सिर्फ केवल एक हिंट आए। यह कोई जेम भी हो सकता है, यह कोई पत्थर भी हो सकता है, यह कोई क्रिस्टल भी हो सकता है, यह जो भी है ये आप ही है, ये आप ही का रूप है, किसी भी रंग का हो सकता है, चमकीला भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, बहुत ही छोटा सा भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा रॉक भी हो सकता है। पहचाने अपने आप को, पहचाने अपनी मिनरल लाइफ को। अगर आप नहीं भी देख पा रहे तो सरेंडर टू योर मास्टर्स, अपने मास्टर्स को पूरी तरह सरेंडर करें। आपके मास्टर्स आपको आपकी लाइफ दिखाएंगे, आपको जो भी मिनरल दिखा है, आपको जो भी अपनी लाइफ दिखी है, उस मिनरल की जो भी गुड क्वालिटीज हैं, उन सभी को हम अपने अंदर धारण करेंगे। यह क्वालिटी उसकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, यह क्वालिटी उसकी ड्यूरेबिलिटी भी हो सकती है, यह क्वालिटी उसकी हार्डनेस भी हो सकती है, यह क्वालिटी वो है जो आपके अंदर अभी भी है, लेकिन वो कहीं छिपी बैठी है। आज हम उसे एक्टिवेट करके अपने अंदर दोबारा धारण करेंगे। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं अपनी क्वालिटी, तो कोई बात नहीं, अपने मास्टर्स, अपने गुरुओं के ऊपर सरेंडर करते हुए ये भाव डालें कि हे मेरे मास्टर्स, इस लाइफ की जो भी बेस्ट क्वालिटी है, जो मेरी सोल के पोटेंशियल के लिए है, जो मेरी सोल के पर्पस को पाने के लिए जरूरी है, आज मैं उसे एक्टिवेट करता हूँ, करती हूँ। उसे एक्टिवेट करने में मेरी मदद करें। देखिए, आपके मास्टर्स उन सभी क्वालिटीज को एक्टिवेट कर रहे हैं जो आपके सोल पर्पस की अलाइनमेंट में है, और वो क्वालिटीज जो आपकी सोल पर्पस की अलाइनमेंट में नहीं है, उन्हें डीएक्टिवेट कर रहे हैं। सारी अच्छी क्वालिटीज एक्टिवेट हो चुकी है और अब समय है आगे बढ़ने का। मिनरल किंगडम को ब्लेस करते हुए, थैंक्स करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मैं 5 to 1 गिनूंगी, हम अपनी प्लांट लाइफ में एंटर करेंगे। 5, 4, 3, 2, and 1, and here we come in the plant kingdom। आपके सामने बहुत बड़ी वेजिटेशन है, हरियाली है, अनेकों प्रकार के पेड़ हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, छोटे पौधे, बड़े पौधे, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ और बहुत छोटे पेड़, कुछ फलों से लदे हुए, कुछ सुंदर फूलों वाले पौधे। आपके सामने वो जो पहला पौधा या दूसरा पौधा आएगा, वो ही आपकी प्लांट लाइफ होगी। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट,
जो भी आपको पहला इशारा मिलेगा, जो भी वो पहला शब्द आपके मन में आएगा, वह कोई फूल भी हो सकता है, वह कोई फ्रूट का पौधा भी हो सकता है, वह कोई ऊंचा छाया देने वाला पौधा भी हो सकता है, वो कोई फसल हो सकती है जो सबको अनाज दे, वो किसी भी तरह का कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई मेडिसिनल प्लांट भी हो सकता है। सी दिस प्लांट, और फिर से हम अपने सभी मास्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्लांट किंगडम की लाइफ की जो भी गुड क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर एक्टिवेट करें, वो सभी क्वालिटीज जो हमारे सोल पर्पस के अलाइनमेंट में है और हमारे सोल के पोटेंशियल को बढ़ाने वाली है, उन सभी को एक्टिवेट करें। और वो क्वालिटीज जो हमारे सोल पर्पस के अलाइनमेंट में नहीं है उन्हें डीएक्टिवेट करें। सभी हीलर्स इस प्रोसेस में अपने सिंबल्स का प्रयोग कर इस प्रोसेस को और इफेक्टिव बना सकते हैं। देखिए आपके मास्टर्स आपकी क्वालिटीज एक्टिवेट कर रहे हैं और आपको अपने सोल पोटेंशियल की ओर लेकर जा रहे हैं, आपके पोटेंशियल को और बढ़ा रहे हैं। आपकी सभी क्वालिटीज आपने आ चुकी हैं, अब समय है आगे बढ़ने का, एनिमल किंगडम की ओर जाने का। जैसे ही मैं 5 से 1 गिनूंगी आप प्लांट अपनी एनिमल लाइफ में एंटर होंगे, और जो भी पहला नाम आपके सामने या आपके जहन में आएगा वही आपकी एनिमल लाइफ होगी। 5, 4, 3, 2 एंड 1। जो भी पहला नाम आपको दिखे, जो भी जानवर दिखे, महसूस हो, कोई हिंट मिले, कोई आवाज सुने, यही आपकी एनिमल लाइफ है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। हो सकता है आपको एक से ज्यादा एनिमल लाइफ में दिखे, अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और पहचाने अपनी उस एनिमल लाइफ को। अब हम अपने मास्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे पूरे सरेंडर के साथ हमारी इन एनिमल लाइफ की वो सभी गुड क्वालिटीज जो हमारे सोल पर्पस के अलाइनमेंट में हैं उन्हें एक्टिवेट कर दें, और जो क्वालिटीज हमारी सोल पर्पस के अलाइनमेंट में नहीं है और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है, उन सभी को डीएक्टिवेट कर दे, हील कर दे। सभी हीलर्स डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग कर इस प्रोसेस को और भी इफेक्टिव और क्विक कर सकते हैं। देखिए आपकी क्वालिटीज एक्टिवेट हो रही है, आपका सोल पोटेंशियल जागृत हो रहा है, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है और आप अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रही हो। इस एनिमल किंगडम में अपनी लाइफ के वक्त हमने बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने की होंगी, बहुत सारी सोल्स को नुकसान पहुंचाया होगा, तो अभी हम उन सभी सोल्स से माफी मांगेंगे। हम दिल की गहराई से कहेंगे, वी आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अपनी एनिमल लाइफ में रहते हुए अगर मैंने किसी भी जीव जंतु को, किसी भी सोल को जाने अनजाने
कोई नुकसान पहुंचाया हो, कोई दर्द पहुंचाया हो, मैं उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दी। आई थैंक यू एंड आई लव यू। और इस समय एनिमल लाइफ में अगर किसी भी सोल ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया हो या हर्ट किया हो, उन्हें भी हम माफ करेंगे। तहे दिल से हम उन्हें माफ करते हुए उन्हें भी आजाद करेंगे और खुद भी आजाद हो जाएंगे। सभी सिंबल्स का प्रयोग करते हुए इस प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाएंगे। देखते ही देखते आपकी पूरी एनिमल लाइफ हील हो चुकी है और समय आ गया है आगे बढ़ने का। वापस अपने रूट चक्र पर आ गए। हमारी सारी पास्ट लाइफ जिन्हें हमने एक्टिवेट किया था, उन सभी को असेस करेंगे, उन सभी का निरीक्षण करेंगे और भाव डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने सभी मास्टर से, गुरुओं से कि हमारी पास्ट की ह्यूमन लाइफ जितनी भी है, उनके वो सभी गुण, वो सभी पोटेंशियल्स, वो सभी टैलेंट्स जो हमारे सोल पर्पस की अलाइनमेंट में है और हमें हमारी करंट लाइफ में जिनकी जरूरत है, जो हमारे सोल के एवोल्यूशन के लिए जरूरी है, उन्हें कृपया कर एक्टिवेट कर दे। वो सभी गुण, वो सभी क्वालिटीज एक्टिवेट हो रही हैं। आपकी सभी पास्ट लाइफ की ऑल द क्वालिटीज, ऑल द पोटेंशियल्स, ऑल द क्रिएटिविटीज, ऑल द टैलेंट्स आर बीइंग एक्टिवेटेड। आपकी सोल का पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। आप अपने सोल पर्पस की ओर और अग्रसर हो रहे हैं। एक और भाव डालेंगे कि वो सभी क्वालिटीज जो हमारे सोल पर्पस के अलाइनमेंट में नहीं है और हमारे सोल एवोल्यूशन के रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, हम उन सभी को हील करते हुए डीएक्टिवेट करेंगे। हमारे सभी मास्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं इस प्रोसेस में। सब हीलर्स डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग करते हुए इस प्रोसेस को और भी तेज और भी इफेक्टिव बनाइए। आपकी सारी पास्ट लाइफ हील हो चुकी है, सब गुड क्वालिटीज आपके अंदर आ गई हैं, ऑब्स्टेकल्स दूर हो चुकी हैं, हील हो चुकी हैं। अब हम सभी पास्ट लाइफ की सोल कनेक्शन से फॉरगिवनेस मांगेंगे। अगर हमने कभी किसी को आघात पहुंचाया हो, चाहे जाने अनजाने, उन सभी से क्षमा याचना करेंगे। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। किसी ने अगर हमें कभी आघात पहुंचाया, कोई भी दर्द दिया, उसे भी हम तहे दिल से माफी करेंगे और अपने आप को भी और सभी पास्ट लाइफ के कनेक्टेड सोल्स को आजाद कर देंगे। फील दिस फ्रीडम, ये फॉरगिवनेस, ये क्षमा दान, क्षमा याचना,
आपके लिए बहुत ही खूबसूरत आजादी लेकर आई है, उसे महसूस करें और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने ध्यान को सेक्रल चक्र पर लाएंगे, जहां पर हमने अपने सभी प्रेजेंट लाइफ फाइल्स को एक्टिवेट किया था। हमारे इस जन्म के सभी गुण, सभी क्वालिटीज, सभी पोटेंशियल्स, सभी टैलेंट्स, वो सभी जो हमारे सोल के उत्थान के लिए जरूरी है, सोल पर्पस के अलाइनमेंट में है, अपने गुरुओं की मदद से, अपने मास्टर्स की मदद से वो सभी एक्टिवेट हो रहे हैं। हमारी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, हम अपने सोल के पर्पस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारी आत्मा का उत्थान हो रहा है, आवर सोल इज इवॉल्विंग। इस जन्म की वो सभी क्वालिटीज जो हमारे सोल पर्पस के अलाइनमेंट में नहीं है और हमारे सोल की एवोल्यूशन के रास्ते पर ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, हम उन सभी को हील करते हुए अपने मास्टर्स की मदद से डीएक्टिवेट करेंगे। सभी हीलर्स डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग कर इस प्रोसेस को और भी इफेक्टिव और भी क्विक बनाएंगे। देखें आपके मास्टर्स कैसे आपकी प्रेजेंट लाइफ को हील कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स को दूर कर रहे हैं, सभी टैलेंट्स को, वो गुड क्वालिटीज को एक्टिवेट कर रहे हैं और आपकी सोल को और आगे लेकर जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले प्रेजेंट लाइफ के सभी सोल कनेक्शन से हम क्षमा याचना करेंगे। हमने अगर किसी का मन दुखाया हो, जाने अनजाने नुकसान पहुंचाया हो, सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अगर किसी सोल ने हमें नुकसान पहुंचाया हो, हम उनसे भी क्षमा याच हमें उन्हें भी क्षमा करना है। हम उन्हें क्षमा करते हुए अपने आप को भी आजाद करेंगे, उन्हें भी आजाद करेंगे और इस आजादी की भावना को साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर लेकर जाएंगे, जहां पर हमारी पेरेंटल फाइल्स का एक्टिवेशन हुआ। इस जगह पर हमारे एंसेस्टर्स और हमारे पेरेंट्स की वो जो जेनेटिक पैटर्न्स हैं जो हम कैरी कर रहे हैं, जो हमारे सोल पर्पस के अलाइनमेंट में है, उन सभी हाईएस्ट पोटेंशियल के जेनेटिक पैटर्न्स को हम एक्टिवेट करेंगे अपने मास्टर्स की मदद से। और वो पैटर्न्स जो सोल पर्पस के अलाइनमेंट में नहीं है, उन्हें मास्टर्स की मदद से हील करेंगे। लेट द प्रोसेस बिगिन, ऑल द हीलर्स काइंडली यूज द डिवाइन सिंबल्स, ताकि ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो पाए। अपने सभी एंसेस्टर्स का धन्यवाद करेंगे,
और उनसे क्षमा याचना भी करेंगे। कभी जाने अनजाने हमने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, उन्हें आघात पहुंचाया है, तो वे आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अपने एंसेस्टर्स की आशीर्वाद के साथ और आगे बढ़ रहे हैं, अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पर लेकर आएंगे। यह वह जगह है जहां से हमारे मास्टर्स की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर शुरू होती है और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। हमारी सोल उस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी और जर्नी के लिए तैयार हो रही है। सभी सिंबल्स का प्रयोग कर अपने हार्ट चक्र को हील करें। हमारी सभी पास्ट लाइफ्स हील हो चुकी हैं। हम सभी पास्ट लाइफ के पोटेंशियल्स को, क्वालिटीज को ले अपने हार्ट तक पहुंच चुके हैं। हमारे मास्टर्स की ग्रेस हम तक पहुंच रही है। अपने मास्टर्स की ग्रेस को ग्रहण करें और अपने इन पोटेंशियल्स को, अपनी इन सभी क्वालिटीज को एक्नॉलेज करते हुए, पहचानते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ने की तैयारी करें। हमारे मास्टर्स की ग्रेस हमें शक्ति दे रही है। हम अपने आप को भी हील कर रहे हैं और हम हमारे साथ सारी कनेक्टेड सोल्स को भी हील कर रहे हैं। हम मदर अर्थ को भी हील कर रहे हैं। हम अपने मास्टर्स की ग्रेस को सभी में फैला रहे हैं, सबको पास ऑन कर रहे हैं। इस हीलिंग की ऊर्जा को चारों तरफ फैला रहे हैं। और हीलिंग करते करते हम अपने ध्यान को अपने थ्रोट चक्र की ओर लेकर जाएंगे। यह वह जगह है जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का, हमारी सोल की जर्नी का अगला पड़ाव है। इस जगह पर हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को, जो हमने अपने मास्टर की ग्रेस से ग्रहण की है और अपने उन सभी गुणों की मदद से पूरे सच्चे रूप में, डिवाइन रूप में एक्सप्रेस करेंगे और पूरी दुनिया में इस नॉलेज को फैला रहे हैं। कम्युनिकेशन के द्वारा, संचार के द्वारा हम हमारी खुद की स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को पूरी सच्चाई के साथ पूरे विश्व में सभी लोगों के पास पहुंचा रहे हैं और सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी अपने सभी कर्मा को हील कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करें।
और इस बात पर आगे बढ़े। विद दिस एक्सप्रेशन एंड विद दिस स्प्रेड ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज वी मूव अहेड और अपने ध्यान को थर्ड आई चक्र पर लेकर जाएंगे। यहाँ हमारी सोल जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है, जहां पर हम उस विजडम को, डिवाइन विजडम को डाउनलोड कर रहे हैं, उस विजडम को डाउनलोड कर अपने अंदर की उन सभी क्वालिटीज को जो आज हमने एक्टिवेट की है, उन्हें यूज करके, उसका प्रयोग करके अपने अंदर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर रहे हैं। वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जो पूरी तरह से हमारी है, जो केवल हमारे लिए है, वो स्पेशल पावर्स, वो क्वालिटी, वो ताकतें जो केवल हमारी है, एक्सक्लूसिवली हमारी है, जो कस्टमाइज हो चुकी है हमारे लिए और जिनका पर्पस केवल हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को सुपर फास्ट स्पीड पर आगे लेकर जाना ही उसका पर्पस है। वो सभी टेक्नोलॉजीज हमारे अंदर एक्टिवेट हो गई है, हम उन्हें पहचान पा रहे हैं। किसी के लिए वो टेलीपैथी होगी, किसी के लिए वो टेलीकिनेसिस होगी, शायद कोई एस्ट्रल ट्रैवल करे, शायद किसी के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके बारे में आज तक हमने कभी सुना भी ना हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, वो केवल आप ही की होगी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ द डिवाइन टू एनी सोल। और यही एक टेक्नोलॉजी है जो शायद हमारे सैकड़ों जन्मों के काम केवल एक ही जन्म में करने के लिए हमें कैपेबल बनाती है। पहचानिए अपनी इस टेक्नोलॉजी को, यह टेक्नोलॉजी आपके अंदर ऑलरेडी एक्टिवेट हो गई है। बहुत जल्द आप इस टेक्नोलॉजी से रूबरू हो जाएंगे और इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप सुपर फास्ट रॉकेट स्पीड के साथ अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गए हैं और अपने ध्यान को अपने क्राउन चक्र पर लेकर आए, जहां इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप ऑलरेडी पहुंच गए हैं। आपका क्राउन चक्र पूरी तरह ओपन हो गया है, आप उस डिवाइन लाइट में मर्ज हो रहे हैं, उस डिवाइन में वननेस में आ रहे हैं, आप अपने हायर सेल्फ से मर्ज हो चुके हैं, आप उस यूनिवर्स से मर्ज हो चुके हैं, उस डिवाइन लाइट में एक हो चुके हैं। आप पूरी तरह से उसी लाइट में समा चुके हैं। इस वननेस का आनंद लें। इस कनेक्शन को महसूस करें।
आप ही वो लाइट है, वो लाइट पूरी तरह से आप है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सारे विश्व को चला रही है, आप उसी का एक हिस्सा है और वो लाइट आप ही का एक हिस्सा है। महसूस कीजिए इस वर्नेस को, इस मिलन को, इस कनेक्शन को। आपने बहुत लंबी जर्नी की है इस मिलन को पाने के लिए, सैकड़ों जन्म, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम सभी में लेते हुए आज आपको ये मुकाम मिला है जिसके लिए आपने ये जर्नी शुरू की थी। आज आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, आपने पा लिया है। आज आपकी ये यात्रा पूरी आपकी सभी कोशिशों के, सभी मेहनतों के फल आपको मिल चुके हैं। द अल्टीमेट ब्लेस, पूर्ण आनंद की अनुभूति शायद यही था या फिर यही है जिसको पाने के लिए इतने जन्मों की यात्रा हमने की। अपना समय ले और इस अनुभूति को, इसके आनंद को पूरी तरह अपने अंदर ग्रहण कर ले। इस आनंद को, इस ब्लेस को, इस भावना को अपने साथ अपने अंदर लेते हुए हम अपनी वापसी की जर्नी शुरू करेंगे। अपनी हायर सेल्फ का धन्यवाद करें अपने मास्टर्स का, अपने गुरुओं का धन्यवाद करें जिनके आशीर्वाद से हमने ये जर्नी शुरू की और जिनके साथ के साथ, आशीर्वाद के साथ ही हम इस यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। अपनी सभी कनेक्टेड सोल्स का धन्यवाद करें जिन्होंने परमिशन दिया, जिन्होंने आज्ञा दी कि हम इस रिग्रेशन के प्रोसेस को पूर्ण कर पाएं। अपने एंसेस्टर्स, पेरेंट्स का भी धन्यवाद करें। अपनी खुद की आत्मा का भी धन्यवाद करें। धन्यवाद करने के बाद अपनी वापस की जर्नी के लिए तैयार हो जाए। अपने ध्यान को अपने श्वासों पर लेकर आए। अपने आप को वापस अपने शरीर में महसूस करें। आपके शरीर में होते हुए जो भी कंपन, हलचल, उन्हें महसूस करें। जैसे ही मैं
एक से पांच गिनूंगा, अब वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। एक, आपका ध्यान वापस अपने शरीर की ओर आ रहा है। दो, आप अपने शरीर को महसूस कर पा रहे हैं। तीन, आप शरीर के अंदर होती हलचलों को बहुत तो अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। चार, आपके आसपास होती आवाजें और हलचलों के प्रति आप जागरूक हो चुके हैं। और पांच, आप वापस अपने शरीर में प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हैं। अब जब भी आपको ठीक लगे, आप धीरे से अपनी आंखें खोल लें। सो आई वेलकम यू ऑल बैक। आई एम सॉरी, मेडिटेशन थोड़ा लंबा हो गया, एज आई प्रॉमिस यू कि 15 मिनट्स में हो जाएगा, बट वी रन 10 मिनट्स अहेड, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अभी थोड़ी देर के लिए कृपया अपने अपने आप के साथ ही रहें, थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें कोई बात करना। और जो भी आज हमने मेडिटेशन और प्रोसेस किया है, इसके बारे में हो सकता है आपको कुछ विजन्स या कुछ व्यूज आज जब आप सोएंगे तो एज ड्रीम या कुछ आपको हो सकता है कुछ दिखे। सो जस्ट कीप ऑन हीलिंग एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज। एंड लेट्स ऑल जस्ट थैंक डॉक्टर उदेशा, और आप सब अलाउ करें तो आई विल बी एबल टू कंक्लूड दिस सेशन। एंड थैंक यू ऑल फॉर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।